झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो है कार्यवाही शुरू हुई, जहां पर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई सदन के अंदर में। और वहीं दूसरी ओर हम बता दें कि सदन के बाहर जो है भाजपा विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया और भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मामला था कैश कांड, यानी जिस तरह से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के मामले में जिस तरह से सामने आया है, पैसा पकड़ाया है, तो उस मामले को लेकर जो है भाजपा विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है सदन के बाहर और हंगामा करते हुए नजर आए। तो वही सदन के बाहर जो है अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कई मुद्दों पर जो है बात रखी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो अमर कुमार बावरी जो है क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। JSSC JPSC से परीक्षा खिलवा रही है और हम सबके सपनों को एक तरह से उसको तोड़ने का काम कर रही है। JSSC की परीक्षा निर्धारित थी 17 तारीख को और जिस तरह से आपने देखा है 5 दिन पहले उस परीक्षा को कैंसिल किया गया, और जब छात्र इस सारे मामलों को लेकर के और जब अपने माननीय विधायकगण जब इस मामले को लेकर के मुखर होने लगे तो उसने आनन फानन में एक डेट घोषित करी और वो डेट क्लैश कर गई है JPSC के एग्ज़ाम के साथ। JPSC बैकलॉग की जो एग्ज़ाम है उसके साथ क्लैश कर गया। अब एक बच्चा दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो अपने को तैयार कर रहा था और जिसके लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके साथ अवसर की भी अब कमी सामने महसूस हो रही, अवसर भी छीन लिया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि JSSC जो है वो जो बहाना बना करके एग्ज़ाम को कैंसिल की कि भाई जो एजेंसी है उसने परीक्षा लेने में असमर्थता जाहिर की है, तो ये असमर्थता कौन सी असमर्थता है? जब आप एजेंसी को सिर्फ इसलिए काम देते हैं कि उसको एग्ज़ाम ही कंडक्ट करना है, वो विशेषज्ञ है, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त है, उसको अनुभव है, तब आप उसका चयन करते हैं, तो उसका इस तरह से जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता है। वो JPSC JSSC से आप ये जवाब लेने का काम कर रहे हैं या JSSC दे रहा है? अगर दे रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, कट मनी कमीशनखोरी चरम पर है, JSSC ने भी क्या कमीशन लेकर के उस एजेंसी को यह काम दिया था क्या, जिसकी तो जांच होनी चाहिए? क्योंकि JSSC ने सिर्फ एक लाइन का असमर्थता जाहिर करने की बात करके उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो परीक्षा नहीं लिया, इतने युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ या इतना भविष्य जो बच्चों का जो है समय जाया हुआ, उसके लिए आपने क्या उसको ब्लैक लिस्ट किया और अभी जो परीक्षा लेनी है क्या उन्हीं को फिर वापस दिया है? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, जनता को भी और अपने छात्रों को भी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए सरकार को और इंटरवेन करना चाहिए। JSSC JPSC के दोनों एग्ज़ाम के डेटों को अलग अलग किया जाए और जो डिमांड को लेकर के छात्र आज आंदोलनरत है उनके ऊपर जो है जो पीड़क कार्रवाई की जा रही है उसको ना करते हुए उनके जो वाजिब सवाल है उसको एड्रेस करना चाहिए। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होते ही जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, जिस तरह से भाजपा विधायकों ने हंगामा किया, जिस मुद्दे को लेकर जो है राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि हम आपको बताते कि आज सबसे बड़ी बात ये रही कि 4 साल के बाद जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की गूंज सुनाई पड़ी, यानी भाजपा के जो विधायक है यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, उनकी गूंज विधानसभा के सदन के अंदर वो दिखाई पड़ी। हालांकि हम आपको बता दें कि आज कार्रवाई शुरू हुई और कुछ देर तक चला और उसके बाद जो है कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार को अब किन मुद्दों को लेकर जो है भाजपा राज्य सरकार को घेरते हुए नज़र आती है। रांची से दर्श न्यूज के लिए मोहन कुमार।